हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं बाइक इन्फॉर्मर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यामाहा की अपकमिंग बाइक की लिस्ट, जो जल्द ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो हमारे साथ आखिर तक बने रहें इन बाइक्स के बारे में डिटेल से जानने के लिए। नंबर वन पर है 2021 MT09। इस बाइक में आपको 889cc का इंजन मिलता है, जो 10,000 RPM पर 199 PS की पावर और 7,000 RPM पर 93 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक को तकरीबन 11.50 लाख रुपीस में लॉन्च किया जा सकता है। यामाहा इसको अक्टूबर 2021 में लॉन्च करेगी। इसका राइवलरी ट्रायम्फ स्प्रीट ट्रिपल RS से होगी। नाउ नंबर टू पर है MT07। यामाहा ने यूरोप में 2021 MT07 पर से पर्दा हटा दिया है। नई मोटरसाइकिल को कॉस्मेटिक और मैकेनिकल अपडेट मिलते हैं। सबसे बड़ा अंतर जो आप देखेंगे वह है नई साइक्लोपिक LED हेडलाइट, जो कि नई यामाहा MT09 के समान है। यामाहा डिजाइनरों ने नई MT07 को पुरानी बाइक की तुलना में अधिक स्पोर्टी और स्लीक बनाने के लिए बॉडी पैनल को फिर से डिजाइन किया है। नई यामाहा MT07 में TFT यूनिट के बजाय LED कंसोल की सुविधा जारी है। 680cc पैरेलल ट्विन मोटर अब BS6 है। इंजन को 73.4 PS और 67 Nm पर रेट किया गया है, जो अपने प्रीवियस मॉडल की तुलना में मामूली गिरावट है। पुराने 282 Nm के बजाय बड़े 298 Nm डिस्क के साथ स्टॉपिंग पावर में सुधार किया गया है। इसमें मिशेलिन रोड 5 टायर मिलते हैं। यामाहा इंडिया ने कभी भी MT07 को हमारे बाजार में नहीं उतारा और हम उम्मीद कर रहे हैं कि नई बाइक के साथ बदलाव आएगा। अगर यामाहा CKD रूट के जरिए 2021 MT07 को भारत में लाने का प्रबंध करती है, तो इसकी कीमत लगभग 7.50 लाख रुपीस हो सकती है। और यह कावासाकी Z650 और नई ट्रायम्फ ट्रिडेंट 660 को टक्कर दे सकती है। और यामाहा इसको अक्टूबर 2021 में लॉन्च करेगी। नाउ नंबर थ्री पर है यामाहा MT03। इस बाइक में सेम पैलर ट्विन मोटर है जैसे कि यामाहा YZF R3 में देखा गया है, जो कि 43 PS की पीक पावर और 29.5 Nm के पीक टॉर्क के लिए पर्याप्त है, जिसको 6-speed ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। ब्रेकिंग को दोनों तरफ पर डिस्क ब्रेक के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, जो कि ABS के साथ आता है। MT03 में 140/70 रियर टायर और 120/70 फ्रंट के साथ कास्ट एल्यूमिनियम व्हील लगाए गए हैं। उम्मीद है कि यामाहा MT03 को 2021 के एंड तक लॉन्च किया जाएगा। यामाहा MT03 को CKD रूट के जरिए भारत लाया जाएगा, जिसकी कीमत 3 लाख रुपीस से कम होगी और इसका मुकाबला कावासाकी Z250, बेनेली TNT 300 और आगामी BMW G301R से होगा। नंबर 4 पर है एरोक्स 155। इस स्कूटर में आपको R15 बेस्ड 155.1cc का इंजन मिलेगा, जो 8000 RPM पर 14.9 PS की पावर जनरेट करता है और यह सिंगल चैनल ABS के साथ आएगा। इस स्कूटर को तकरीबन 1.25 लाख रुपीस में लॉन्च किया जा सकता है और यामाहा इसको दिसंबर 2021 में लॉन्च करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट बाइक की ओर, जो कि हमारी 5th नंबर पे है और वो है R1। इस बाइक में आपको 998cc का इंजन मिलता है, जो 13,500 RPM पर 200 PS की पावर और 11,500 RPM पर 112.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यामाहा YZF-R को फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। इसका करीब वेट 200 kg है। इस बाइक को तकरीबन 20.39 लाख रुपीस में लॉन्च किया जा सकता है और यामाहा इसको जनवरी 2022 में लॉन्च करेगी। एंड 6 नंबर पर जो बाइक है वो है यामाहा WR155R। यामाहा इंडिया अगले साल हमारे दो पहिया बाजार में WR155R लॉन्च करने की योजना बना रही है। WR150R हीरो X प्लस 200 की तर्ज पर एक प्रॉपर ड्यूअल पर्पस मोटरसाइकिल है। यह उसी इंजन के साथ आती है जैसा कि यामाहा R15 वर्जन 3 में देखा गया था।
हालांकि बेहतर ऑफ रोड परफॉर्मेंस के लिए मोटर को डिट्यून किया गया है। यामाहा WR155R में बेहतर ऑफ रोड परफॉर्मेंस के लिए लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, साथ ही स्पोक व्हील्स और नॉबिट टायर्स दिए गए हैं। इसका करीब वेट सिर्फ 134 kg है, लेकिन भारत में WR155R के लिए चुनौतियाँ 888 mm की लंबी सीट और 8.1 लीटर का छोटा फ्यूल टैंक होगा, जो इसकी सीमा को सीमित करेगा। यदि यामाहा कंपोनेंट्स को लोकलाइज्ड कर सकता है और ऑफ रोड मोटरसाइकिल की कीमत 1.50 लाख रुपीस एक्स शोरूम कर सकता है, तो WR155R, हीरो एक्स प्लस 200 और रॉयल इनफील्ड हिमालयन BS6 के बीच की खाई को भर सकता है। नाउ बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। यामाहा ने 2021 YZF-R7 से पर्दा उठा दिया है। यह यामाहा की स्पोर्ट्स बाइक लाइनअप में यामाहा R6 की जगह लेती है और यामाहा R3 और फ्लैगशिप यामाहा R1 के बीच की खाई को पाटती है। 2021 यामाहा R7 में 689cc पैलर ट्विन इंजन है, जो MT07 से लिया गया है, जो 73.4 PS की पावर और 67 Nm का आउटपुट देता है। इंजन को 6-speed गियर बॉक्स से जोड़ा गया है, जो स्लिप एंड असिस्ट क्लच के साथ आता है। अपशिफ्ट ओनली क्विक शिफ्टर का भी अलग से यूज किया जा सकता है। नई R7 की मोटर को MT07 से ली गई चेसिस में रखा गया है, लेकिन इसे शार्प हैंडलिंग डायनामिक्स के लिए ट्वीक किया गया है। चेसिस फुली एडजस्टेबल 41 mm KYB USD फोर्क और एक एडजस्टेबल मोनोशॉक पर है। फ्रंट में रेडियली माउंटेड ट्विन 298 mm डिस्क और रियर में 245 mm डिस्क दिया हुआ है। यामाहा ने बाइक को सिर्फ ड्यूअल चैनल ABS से लैस किया है और ये R7, R6 और R1 की डिजाइन से इंस्पायर है और इसका आक्रामक ट्विन LED DRL वाली R बैच वाली बाइक के समान है। हालांकि R7 के लिए एक खास बात यह है कि इसका सिंगल पॉट प्रोजेक्टर हैंड लैम्प यामाहा M1 इंस्पायर्ड एयर इंटेक्स के बीच टक गया है, जो R लाइनअप के लिए पहली बार है। इस बीच टेल सेक्शन R6 के समान दिखता है, जिसमें दोनों तरफ एरोडायनामिक्स स्पाइलर के साथ एक हाई स्प्लिट सीट होती है। 2021 यामाहा YZF R7 के राइवल एप्रिलिया RS660, होंडा CBR650R और कावासाकी निंजा 650 हैं। इस बाइक को तकरीबन 10 लाख रुपीस में लॉन्च किया जा सकता है और यामाहा इसको फरवरी 2020 में लॉन्च करेगी। नाउ बढ़ते हैं हमारे 8th नंबर की ओर। यामाहा भारतीय बाजार के लिए बिल्कुल नए YZF R3 पर काम कर सकती है। नई स्पाई इमेज से पता चलता है कि हाल ही में देखा गया यामाहा टेस्ट म्यूल R3 हो सकता है। यह R15 की तुलना में बड़ा दिखता है। इसमें एक बीफियर फ्यूल टैंक और R7 से इंस्पायर्ड एक फेयरिंग है। टेल सेक्शन वाइडर और ज्यादा क्लियर है। हार्डवेयर को एक बहुत जरूरी अपडेट मिलता है। कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फोर्क के बजाय यामाहा ने एक अधिक प्रीमियम USD यूनिट के लिए एक एक्सियली माउंटेड कैलिपर के साथ जाने का ऑप्शन चुना है, जो कि इंटरनेशनल स्पेक मॉडल के समान है। 321cc पैलर ट्विन इंजन को सख्त BS6 एमिशन नॉर्म्स को पूरा करने के लिए अपडेट किया जा सकता है। तो ज्यादा नहीं तो समान पावर और टॉर्क के आंकड़े होने की उम्मीद करें। BS4 R3 में पावर 42 PS और 29.6 Nm टॉर्क मिलता था। हम यामाहा को एक बार फिर से 300cc स्पेस में कदम रखते हुए और कावासाकी निंजा 300 और आने वाली KTM RC 390 जैसे राइवल्स को टक्कर देते हुए देख सकते हैं। इस बाइक को तकरीबन 3.50 लाख रुपीस में लॉन्च किया जा सकता है और यामाहा इसको मार्च 2022 में लॉन्च करेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।